पार्टी के डिप्टी लीडर ने विधानसभा के विच उस पार्टी के एमएलए आ जिन्हां ने इमानदारी का ढोंग इमानदारी का कोट पाया होया सी उपर दी वी असीं साडे तों वड्डा कोई इमानदारी नहीं इमानदारी है नहीं वी जे कोई इमानदारी दा सर्टिफिकेट लैणा साडी पार्टी तों अगे लो और अज उसी पार्टी के एमएलए सरबजीत कौर माणूका जिहड़े डिप्टी लीडर ने विधानसभा के विच आ उहनां दे स्कैंडल उहनां वल्लों कीता स्कैंडल जिहड़ा एजुकेशन स्कैंडल सी जिहनूं कह सकदे सर्टिफिकेट स्कैंडल एमएलए बनन तों पहलां किवें घरे बहि के एमएलए साहब उन्होंने हसबेंड किमें घर बह के सर्टिफिकेट जारी करते जिहड़ा विनायका मिशन यूनीवर्सिटी सेलम जी तमिलनाडु की यू जी सी वालों 2013 के बैन कर दी गई सी 2013 के बैन लग गया थी क्योंकि यह सब तो वध जो कोई स्कैंडल हो स्कैंडल्स हो रहे थे इस यूनीवर्सिटी के हो रहे थे और उस यूनीवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स इस थोड़े सामने दो जिहड़े पीड़ित हैगे उस मसले के बैठे इन्हों के बच्चों ने मैडम दे कोले उन्हां दे घरे डिस्टेंस लर्निंग दी पढ़ाई की तीन तीन साल उत्थे जाके पेपर देंदे रहे तो जो सर्टिफिकेट दिते ते आ जाली जदों इन्हां दे बच्चे सरकारी नौकरी अप्लाई करन गए उत्थे आ फार्म उहदे विच लाए गए इन्हां वल्लों और जदों फार्म की चैकिंग हुई जदों सरकार ने चैकिंग की तो उहदे विच फार्म जाली पाए गए तो जदों ये मैडम कोले जांदे आ एमएलए साहब कोले जांदे आ ते एमएलए साहब इन्हां नूं ड्राफ मंगा के भजाउंदे आ उत्थों भी साडा कोई लैण देण नहीं कमरा नहीं कुंडा नहीं खोलदे आपदे घर नहीं खोलदे जगराओं भी बहुत गए आ इह बार बार जांदे रहे पर एमएलए साहब वल्लों कोई गल कोई इंसाफ इन्हां नाल नहीं कीता गया और एक बच्चे दा सारा सेमेस्टर की पढ़ाई डिग्री तक के पैसे घट्टो घट लग लग एक बच्चे का लगभग 50,000 रुपए इन्होंने लिया इन्हों तो इन्हों के तीन बच्चे इन्होंने दो बच्चे चार सो इन्हों तो एक बच्चे का 50,000 रुपया और ये सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल तुम दिखा रहे हैं ये कोई फोटो कॉपी नहीं है ओरिजिनल एक घरे बह के बनाए हुए ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो मैडम माणूके वालों जारी किए गए और डिग्रियां इन्हों नहीं दित्तियां उस तो बाद ये सिर्फ सेमेस्टर के सर्टिफिकेट आ तीन सालों के और जी डिग्री होंगी है बच्चे पास होने की भी जो एक डिग्री मिलती है भी यह बच्चा पास हो चुका वो इन्हों देन वास्ते 20,000 रुपया अड मंगया गया सो दूजी गल जिथे मैडम पढ़ाते 2950 नंबर CRP कलोनी वह तो गवर्नमेंट फ्लैट्स ने वो उपर नजायज़ कब्जेदार एक MLA जिहड़ा नजायज़ कब्जे कर रहा और एक आप देख सकते हो भी सरबजीत कौर के नाते मीटर 2016 के अप्लाई होया उन्होंने नाते लग्या और ये उपर अज तक जोड़े बिजली के बिल अज तक इसे मीटर से आ रहे हैं फिर तुम दसो भी एक MLA जो सहु चकता विधानसभा MLA बनता वो सहु चकी जाती भी मैं किसी नजायज़ प्रॉपर्टियां कब्जे नहीं करूँगा किसी नजायज़ प्रॉपर्टी के उपर मैं काबजधार नहीं होऊंगा फिर तुम MLA साहब किदा हो गए तुम अज इस प्रॉपर्टी के कड़े हक में बैठे हो तुम पुड्डा के जाके मैं पत्रकार वीरों कहना चाहता भी पुड्डा के जाके वेरीफाई करो भी यह कि बोलता थोड़ा उसे लिस्ट आऊगी भी यह नजायज़ काबजधार हूँ तुम देख सकते हो भी MLA आम आदमी पार्टी जी ईमानदारी का कोट पाई फिरती है भी साढ़े तो वाला कोई ईमानदार नहीं तो अज उन्होंने ईमानदारी के चिट्ठे आ थोड़े सामने आ तो जदों इन्होंने टिकटा दी 2017 के कहें भी सब तो व्डे जे ईमानदार कैंडीडेट्स साढ़े को और तुम देख लो केजरीवाल साहब थोड़ा डिप्टी लीडर ऑफ हाउस विधानसभा का अज कि ईमानदार आ किमें ठगियां इन्होंने मारिया ने यह सिर्फ हले अपना डर भै चक के ये मूहरे आए आ इदो बाद वीडियो चलने तो बाद देखो भी किन्ने सैकड़े की तादाद के बच्चों ने अगे निकल के आना जिन्हां नाल दो तीन तीन लाख की ठगी हुई है तो और उन्हां दा पैसे देने का नाँ नहीं लै रहे कल इन्होंने फोन किए उन्होंने परसों भी फोन किए भी मैडम साढ़े पैसे मोड़ते तो मैडम जी फोन चकते तो जल्द ही फोन कट देंगे वो रिकॉर्डिंग असं थोड़ा हमने बह के इतने प्रोवाइड कर देंगे सो असी अज ऐलान करते हैं लोक इंसाफ पार्टी असी विधानसभा के स्पीकर साहब नूं मिलांगे इन्हां नूं नाल लैके जावांगे और आ जिहड़ा बिल आ इन्हां नूं नाल लैके जावांगे स्पीकर साहब ये दसांगे भी स्पीकर साहब किवें थोड़ा MLA एक नजायज़ काबजधार आ किवें कब्जे करके उस जमीन के उपर उस फ्लैट के उपर बैठा इन्हां दे तनखाह और इन्हां दे पत्ते ये असीं बंद करा के हटांगे जे नहीं करनगे फिर जो सानूं करना पिया साडी पार्टी असीं आप चढ़ के करना। मेरा नाम अमरपाल कौर है मैं श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल च टीच करदी सी ते उत्थे सरबजीत धूर मेरे नाल ही टीच करदे सी असीं इकट्ठी रोटी खांदे सी इकट्ठे बैठदे उठदे सी एक बार इन्होंने इन्होंने दस्या कि मैं विनायका यूनिवर्सिटी मैं अपनी दस्या भी मेरे बच्चों कि नौकरी दे लवा दो तो उन्होंने कहा भी मेरी भैन जज हैगी तो लगवा देगी पर तुसी बीए करके बच्चों की ग्रैजुएशन होनी जरूरी है मैं क्या मेरी इन्नी हैसियत नहीं हैगी मैं इन्हों हूँ तिना ग्रैजुएशन करावा क्योंकि मेरा हसबेंड बीमार से हॉस्पिटलाइज से इन्होंने कहा कि कोई गल नहीं तू मेरे को करा विनायका यूनिवर्सिटी तो डिस्टेंट करा दिनी आ उन्होंने नौकरी कर दे बच्चों वो पैसे कमाणगे नाल ना दे ही जाणगे मैं कहा जी ठीक है मैं बहुत अच्छा लगा कि नाले ग्रैजुएशन हो जाएगी नाले बच्चे जॉब करे चल दो पैसे आने बच्चे
अपने पढ़ जाएंगे। वह मैनू उन्होंने कहा जे ग्रैजुएशन होगी ना फिर मैं तेनों तिना बच्चों की बहुत अच्छी जॉब लगवा देंगे। मैं बड़ी खुश, मैं तिना दे पैसे जमा कराए तो अपना घर चो तुम्हें पता ही है भी एक 14,000 तनखा लैन वाली लेडी किस तरह अपने 3 बच्चों पढ़ा सकती है। तो मैं उन्हें सारे पैसे जमा कराती गई जिमें कहें गई मैं स्टार्ट करता अज आ सर्टिफिकेट जो मैं तुम्हें हमने दिखाए। पहला सब तो पहले एडमिशन कराई 5,500 एडमिशन कराता, फिर 20,000 फीस हर 2-3 महीने बाद जिमें 3-3 महीने बाद फीस लेंगे ने वह 20,000 फीस लेंदी गई मैं दिंदी गई। उस तो बाद कोई उन्हें मैं रसीद नहीं दी, मैंने कहती तुम्हें की लाना रसीद तोड़ तुम पैसे जमा कराते ना, मैं तुम्हें दोबारा मंगन लगी हाँ, मैं दोबारा नहीं मंगती बेफिक्र रो। मैं कहा चल ठीक है, नाले कुलीग होने के नाते मैं चुप रही। उस तो बाद नाले होर भी साढ़े स्कूल के टीचर्स जसविंदर कौर है सतनाम सिंह है उन्होंने भी इन्हों को बच्चे बहुत सारे लगाए हुए थे। मैं क्या सियाने ब्याने टीचर ने बहुत अच्छे टीचर ने जे वह करवा सकते तो मैं भी अपने बच्चों करवा लैनी हाँ। जे बच्चा फेल हो पहला जान के फेल कर देने ने फिर 5,000 दो दोबारा टेस्ट लेना है दोबारा पेपर लाँगे। ये सर्टिफिकेट उन्होंने आप ही दिते, उन्होंने हसबेंड ने सुखविंदर सिंह उन्होंने हसबेंड ने दोनों मियाँ बीबी बैठे सी ते असी गए ते पहला तो किन्नी देर इन्होंने ना दरवाजा ही नहीं खोलते सी, असी रात के 2-2 बजे तक मैं तो मेरा बेटा इन्होंने दरवाजे के बैठे रहे कि जदों आएंगे असं उस वेले फड़ लेना इन्हों आना कितों सी वो तो अंदर ही होंगे सी तो आना कितों सी उन्होंने। चलो 2-2 बजे असी वापस आना घर भी चल कोई गल नहीं। आखिरकार एक दिन उन्होंने जो असी बहुत जबरदस्ती की उन्होंने साल बाद मैं 3 पेज फड़ाते 3-3 पेज तिना दे किसी विच फेल किसी विच पास। मैं कहा जी आह की किया तुसी जदों वह बैंक लैके गया वड्डा बेटा अपना जमा कराने लई जिते जॉब करता सी उहदी भी चलो सैलरी वाजे या कुछ भी है ना उन्हें अज मैनेजर होना सी उहदे नाल दे मुंडे जिहड़े उदों लगे सी वह अज मैनेजर ने ते वह कहिंदा भी आता डुप्लीकेट है यह तुहानूं कित्थों बनवाए ने। उहनूं मिन्नता करके माफिया मांग के भी भाई आ केस ना कर वह तो सा केस करा लगा सी भी तुसीं आ जमा करा के नौकरियां लैंदे पे हो दसो असी चुप नहीं पुलिस। मैं एक आम तुम दसिया ना तो स्कूलों छुट्टी लै सकती सी घर आके ट्यूशन पढ़ाती सी तां ते गुजारा हुंदा सी ते मैं पुलिस जाके उत्थे की करना सीगा बच्चे तो छोटे सी बच्चे कहड़ा बहुत वड्डे ने ना असी इन्हां गल्लां च पए आ। मैनू मेरा इंसाफ दे के मेरे पैसे तो कम से कम वापस कराओ जो जिंदगी नहीं वापस करा सकते मेरे बच्चों की जिंदगी स्पॉयल करती है। देखो मैं मेरी जिंदगी तो होगी मेरा बुढ़े पता रुल गया देखो देना तो चाहनी हाँ मैं क्यों नहीं देना चाहती क्योंकि मैं तो सच्ची हाँ मैनू किसी का डर पिया मैंने किसी का कोई डर नहीं है इस वेल क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद होगी तो मैं कहना डर रह गया हूँ। मेरी सिस्टर का भी यही हाल किया मेरी सिस्टर नाल बैठी है इन्हें भी मेरे पिछले लग के बच्चों दाखिल करा दिता चार सर्टिफिकेट चार बच्चे इन्होंने ने मैं किन्ने बच्चे दाखिल कराए अच्छ लोगों को जुतियाँ खाती पी हाँ वो कहते मेरे पैसे दो मैं कितों दया वो चली गई वो लै लो पर मैं हूँ कितों दया जो मर्जी लगा लैन पूरे पंजाब मेरे नाते एक सिंगल प्लॉट दिखा देन सिंगल फ्लैट दिखा देन मैं गुनाहगार हाँ। दूजी गल अध्यापक किते चो आई हूँ ठीक है अध्यापक किते तो इलावा मेरा होर किता कोई दिखा देन मैं तां गुनाहगार होऊंगी। एलीगेशन का कोई चक्कर नहीं पर बैंस साहब के जो तुसी जाओगे तो यह जरूर पुछ के आयो भी लियाओ दसो कि जे कोई फ्लैट कहने जे कोई कोठी कहने जे कोई प्लॉट कहने मेरा नाम जरूर पढ़िया।